भैया कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फिलहाल में मेरा ब्लॉग मेरा चैनल नहीं है, भाई का चैनल है, ठीक है। और मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आपको दिखाएंगे बहुत ही शानदार चीज़ जो कि 6 लेंथ बन रहा है। क्या बोलते हैं, बेली हॉस्पिटल का नाम लोग जानते होंगे। बेली हॉस्पिटल से शांतिपुरम फाफामऊ के लिए जा रहा है फ्लाईओवर 6 जो कनेक्टिविटी है, और उसको हम लोग आज दिखाएंगे ना भाई, और दिखाएंगे क्या क्या कैसे कैसे बनता है। और ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और मस्ती भी होगी। फिलहाल तो चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी। वहाँ से स्टार्ट है, वो उतर जाएगा वहाँ पे हाईवे, तो ये स्टार्ट है, ये पूरा ये आगे तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका। सो गाइस, एक कार्य बहुत अच्छा हुआ है, फिलहाल हमारे सामने लिख गया है कार्य प्रगतिप है, कृपया अपने बच्चों को पशुओं को फला मतलब कि दूर रहें बिजली उजली से बताएँ। सो ये है कंस्ट्रक्शन का काम है और फिलहाल बहुत ही शानदार से बनाया गया है और बन रहा है, और आगे तक चलेंगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। और हमारे साथ भाई साहब हैं जो इन्हीं का सब कुछ है और यही शूट करेंगे, हम तो हंस मस्ती कर रहे हैं गाइस। और ये भाई साहब को बोले कि भाव बहुत दूर है, देखो कितना दूर है, हमको वहाँ तक जाना है और वहाँ तक, और भाई साहब को बोले कि गाड़ी ले लो, बट इनको तो नहीं, मुझे पैदल घूमना है। और धूप इतना भयंकर ही, क्या ही बताएं, मजा आ रहा भाई धूप में, मजा आ रहा है ना? हाँ ठीक है, जाओ आप गाड़ी ला के लाओ, ठीक है। तो भाई जा रहे हैं, बाइक लेके आ रहे हैं, पिन दिखाते हैं आप सभी को। सो हमारे साथ भाई भी, अखिल भाई हमारे आ चुके हैं मैं इनको बोला हूँ कि चलो बाइक ले लो, नहीं चलो ऐसे ही घूमेंगे, मजा आएगा, तो चलो चलते हैं। अभी तो थोड़ा सा शुरुआत हुआ है, ठीक है, अभी चलना है वहाँ तक जाना है, ठीक, तो चलो चलते हैं। चले अरे कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है उसके पास में, और ये इधर है गिट्टी विट्टी मिक्स करता है मशीन, ट्रक में लोड होकर ही वहाँ जाता है। इसे मलाह खराड़ से आ रहा है मेरठ साइड से, ये मेरठ साइड से होते हुए इधर मेरठ से प्रयागराज का हाईवे है 584 किलोमीटर, और ये जगह है ये बेली के पास में, बेली हॉस्पिटल के पीछे। सो यहाँ ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये बड़ी सी मशीन लग ढलाई का काम कर रही है यहाँ पर। सो गाइस, यही मशीन उठा के सबको बारी बारी से रख रही है ऐसे, और ये आगे तक पूरा हम लोग उतर के दिखा रहे हैं आपको। ये रेल के ट्रैक जैसे बनी हुई है मशीन, इस पर चढ़ कर आती है पीलर उठाकर, फिर ले जाती है पीछे रखती है पीलर बनने के बाद इसको। सो ये ऐसे रखा हुआ अभी टेम्परेरी, ये सब उठ उठ के जाएगा, एक एक बारी बारी पीलर के ऊपर रखाएगा ये सब, फिर इसके ऊपर से रोड ढलाएगी। सो ये ऐसे ट्रैक पे आएगा चल चल के ना। इस हाईवे का नाम है गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से प्रयागराज आ रही है, इसको सेगमेंट बोलते हैं, और यही पीलर के ऊपर रखाएगा। राजा बन गया, देख रहे हो सामने, इतना भयंकर लग रहा है, डर लग रहा है भाई। और हम लोग अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है राजा। अगर आपको देखना है ना तो बेली हॉस्पिटल साइड आ जाइए, और वहाँ से हम आपको दिखा देंगे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिएगा। चपकौवा भी दिखेगा भाई, खतरनाक चीज है एकदम, फोटो शूट रील्स वगैरह 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 बनाना है जिसको आए खूब बनाए। ए भाई एक नंबर। गाइस कंस्ट्रक्शन का काम, और ये सामने डैम,
करने के बाद भैया चढ़ रहे हैं ऊपर, तनी हम नीचे से इनका ले ले। वाह राजा चला तो कुछ फटाटा नहीं ना नीचे। सो हम भी अब आ रहे हैं वीडियो शूट करते, ठीक है। बक्सी बांध, अरे बक्सी बांध नहीं है, बक्सी बांध जैसा है ठीक है। अरे भाई वाह वाह राजा, भैया यूट्यूबर है भैया, बनाइए। गाइस ये डैम है, हम लोग डैम पे आ गए हैं और ये गंगा नदी है। और जब हम लोग इससे पहले आए थे तो ये पिलर नहीं डला था, पिलर का खुदाई उदाई काम चल रहा था, अभी पिलर डल चुका है, हम लोग आके देख रहे हैं। और वो आगे सामने भी काम चल रहा है, अभी आपको अल्ट्रावाइट हटा के दिखाते हैं जूम करके। हाँ भैया बताइए आप क्या बता सकते हैं। बताना चाहते हैं हम जब पहली बार यहाँ पे आए तो ये छोटा में दबे ढलैया चला था, धीरे धीरे था, और फिर बीच में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो सब भर गया, सब डूब गया, सब एकदम बाल तहस नहस हो गया। फिर दो चार महीने बाद जैसे बाढ़ हटी और उसके बाद काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो सर ऐसे घुमाइए थोड़ा सा, अब ऐसे घुमाने के बाद थोड़ा इधर करिए, देखिए इस टाइम काम इतना तेजी चल रहा है, इतना तेजी से ऐसा लग रहा है दौड़ रहा है। फिलहाल ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और रोड ज़्यादा वहाँ से फाफा माओ से जो दूसरा वाला रास्ता है तेरियरगंज से जाने वाला, बहुत जाम हो जाता था, इसलिए इसको बनाया रहा कि शॉर्टकट रास्ता रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल और दिखाते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए बहुत छोटा सा दिख रहा है, हाँ चलो। और भाई लोग उतर रहे हैं, मुझे भी डर लग रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे उतर रहे हैं ठीक है। वैसे हम डेल तो रुपया कमा लेते हैं महीने तक, नहीं एक दिन रुपया, एक दिन का 150 कमा लेते हैं ठीक है। आप 5 में बढ़ा देंगे, मतलब एक तो 55 रुपया हो जाएगा। हाँ और ऐसे घूमते रहिए दिन भर। तो भैया कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ब्रिज बन रहा है वैसे हम लोग का। और बस हमारे जमाने में ये ब्रिज कहाँ हुआ ऐसा हुआ तो बच्चों के जमाने में। अच्छा ये बच्चों के जमाने का, बुढ़ों के जमाने खत्म। वैसे यार बहुत खतरनाक चीज है यार, देखने से बताएंगे हमारे जमाने में सब ब्रिज बना करते थे। तो मैं इस तरह से इसमें टायर लगे हुए हैं और चल चल के उठा के आगे ले जाके रखती है इसको पिलर के ऊपर।